Hello everybody, welcome or welcome back to my channel and welcome to one of the most awaited videos. मतलब इसके बारे में I have been getting comments. I wanted to make this video थोड़ा देर बाद because I wanted to like talk to you guys face to face. But मुझे लगता है कि मुझे अभी कर देना चाहिए because a lot of you guys are being impatient and I know what it's like to being impatient and I think I should do it now. So yeah, let's go. And also, I'm going to tell you my exact marks. Exact marks मतलब जो मैंने calculate कर रहा है Ellen की answer की से वो. So please don't think that it's a clickbait and stay tuned towards the end. Okay, so before we talk about कि मतलब मेरे marks कितने थे या मेरा paper कैसा था, let's talk generally कि paper था कैसा. तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि इस बार का paper के लिए मैं एक ही term use करूँगी, that it was classy. ईजी तो वो कहीं से भी नहीं था क्योंकि बायो वॉज लाइक प्रिटी लेंदी और काफ़ी मुझे ट्रिकी ट्विस्टेड क्वेश्चन मतलब ट्विस्टेड टाइप के क्वेश्चंस लगे. ऐसा नहीं है कि वो डूएबल नहीं था, मतलब डूएबल था लेकिन मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे, लाइक एनटीए हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स स्टैंडर्ड्स. और फिज़िक्स तो मुझे काफ़ी ईजी लगी, कुछ असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन थे उनको छोड़ के बाकी मुझे काफ़ी सही लगा. बट केमिस्ट्री मुझे डिफ़िकल्ट लगी. आई नो कि आई डोंट नो कि बाकी लोग का क्या ओपिनियन है, बट मेरे हिसाब से केमिस्ट्री मेरे लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट पड़ी क्योंकि अगेन बिकॉज ऑफ दैट दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. तो ओवरऑल मेरे हिसाब से तो क्योंकि मैंने 2020 का भी पेपर दिया, 21 का भी पेपर दिया, तो मेरे हिसाब से तो पेपर दोनों साल से ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी थोड़ी गिरनी चाहिए, लेकिन ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी इस बारे में क्योंकि 2021 के बारे में भी लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ गिरेगी. ऐसा कुछ हुआ नहीं, हाँ कुछ एक दो नंबर का अंतर पड़ा था बट कोई मेजर डिफरेंस था नहीं. तो मैं इस साल भी कुछ नहीं बोलूँगी. इस साल तो मुझे एक और चीज़ लगी कि मेरे हिसाब से इस पेपर में काफ़ी सारे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं, वरना मैं पिछले दो साल से अपने मार्क्स कैलकुलेट करती थी और वो मेरे एग्जैक्ट मार्क्स आते थे. इस बार मैं उतना श्योर नहीं हूँ, आई नो कि उसी के अराउंड होगा प्लस माइनस 10, लेकिन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं, बोनस क्वेश्चंस हैं और कुछ के तो दोनों ही सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा बहुत कुछ मार्क्स इधर उधर हो सकता है. उसके अलावा बात रही पेपर में टाइम मैनेजमेंट की, तो मतलब काफ़ी सारे लोगों को टाइम मैनेज करने में दिक्कत हुई है, बट लकीली टचवुड मुझे ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं. मतलब पता नहीं क्यों बायो जो है सब लोग मतलब एवरीबडी सेट की काफ़ी टाइम लग गया बायो करने में, बट मेरा बायो ऑब्वियसली नॉर्मल से ज़्यादा टाइम तो लगा ही, बट फिर भी एक आई गेस 40 मिनट्स में मैंने कर लिया था बायो. और बाकी मतलब ऑब्वियसली पूरा नहीं किया था, कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसा था जिसके सारे ही ऑप्शन सही लग रहे थे, तो मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन जो थे उनको मार्क करके छोड़ दिया था. मतलब कि मैं किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा देर तक रुकी नहीं थी. आई गेस दैट इज़ व्हाट मतलब जिसने मेरा टाइम बचाया, एंड आई वाज एबल टू डू एवरीथिंग रियली नाइसली. मुझे ऐसा टाइम का तो कोई भी इशू नहीं लगा, इनफैक्ट मेरे पास काफ़ी टाइम बचा हुआ भी था, मैंने बहुत आराम से पेपर दिया. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक जिसके लिए अभी तक आप सब लोग रुके हुए हो कि मेरे मार्क्स आ कितने रहे हैं या फिर कितने के अराउंड आ रहे हैं. तो आई एम अ वेरी इंपेशेंट पर्सन. मैं जैसे ही घर आई, आई टुक अ शावर एंड देन आई सैट डाउन इमीडिएटली टू चेक माई पेपर. मतलब इतनी जल्दी आंसर की तो आती नहीं है, तो वीडियो सॉल्यूशन से ही मैं चेक करने लगी थी. मैंने नीट प्रेप के वीडियो सॉल्यूशन से अपना पूरा पेपर चेक करा इमीडिएटली बिकॉज मुझे थोड़ा भी सब्र नहीं है. And I've always suffered the consequences of being so impatient, even this paper maybe. You'll see. मतलब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या इसमें गड़बड़ की है और क्या घोटाला वगैरह किया है, सब बताऊँगी मैं. बट हाँ, ओके, तो मैंने पूरा पेपर वहाँ से चेक किया और मैं शेयर करना चाहती थी, बट आई वॉज वेटिंग कि मतलब एलन की आंसर की आ जाती है, उसके बाद से मैं वहाँ से चेक करके फिर शेयर करूँगी, तो इट विल फील लाइक मोर ऑथेंटिक अकॉर्डिंग टू मी. जबकि मैं हर बार नीट प्रेप से ही चेक करती हूँ और उतने ही मार्क्स मेरे आते हैं. सो अब मैंने अपना पेपर फाइनली चेक कर लिया एलन की की से, एंड मेरे मार्क्स आ रहे हैं 655, एग्जैक्टली 655 अभी तो आ रहा है एलन की आंसर की से. बट मैं इसको अपना एग्जैक्ट मार्क्स अभी नहीं बोलूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक रिस्क. मैं बोलूँगी कि मेरा मार्क्स कैन वेरी अकॉर्डिंग, मतलब 650 से 660 के बीच में हो सकता है. सो या दैट्स माई मार्क्स. आई एम ऑब्वियसली वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं. आई हैव डन रियली गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ. एवरीबडी वॉज वेरी happy at my home, and yeah, I'm very happy, I'm very proud of myself. I've finally done it, I've finally achieved it. It took me 3 attempts, but I've done it and I'm very happy. I'm trying to relax as much as possible, I'm trying to enjoy it as much as possible. But there is one thing that I would like to address. Am I happy from my marks? Very happy. But am I like, matlab still there is this little thing that I want to tell you guys, ki matlab
मेरे क्वेश्चन पेपर में ना काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मतलब स्टूपिड मिस्टेक्स और सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो गई हैं। मैं आप लोगों के साथ एक्यूरेट क्वेश्चंस भी शेयर करूँगी कि मैंने किस क्वेश्चन में क्या स्टूपिड गलती की है, एंड आई एम श्योर दैट इट विल गुड गिव यू अ गुड लाफ, क्योंकि बिल्कुल वो ऐसी मिस्टेक्स है जिनको देख के यू विल से कि ऐसी गलतियाँ भी कोई करता है क्या, ये पागल है लड़की, मतलब ऐसी वाली गलतियाँ की है मैंने। आई डू दैट इन अ मोर एलैबोरेट वीडियो वेरी सून, बिकॉज ट्रस्ट मी अगर क्वेश्चन नहीं आता है फिर छूट जाता है तो फिर मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है, सब सही लगता है, बट अगर आती हुई चीज़ें गलत हो जाती हैं तो बहुत बुरा लगता है। एंड आई लिटरली डोंट वॉन्ट एनी वन ऑफ यू गाइज, मतलब अगर कोई फ्यूचर एस्पिरेंट ये देख रहा है तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी वो गलतियाँ करो, बिकॉज इट फील्स टेरेबल। एंड मतलब 655 इज सच अ गुड मार्क्स, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बट नोइंग दिस कि मतलब इससे अच्छा हो सकता था और मेरे इम्पेशेंस या फिर मेरे केयरलेसनेस की वजह से नहीं हुआ, इट्स हर्टिंग मी अ लिटल, बट जो भी है मैंने इसको बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करा है। मैंने अपने आप से प्रॉमिस करा था कि इस बार जो भी मेरे हिस्से में आएगा, भगवान जो भी मुझे देंगे, आई विल एक्सेप्ट इट विद होल ऑफ माय हार्ट, चाहे वो कुछ भी हो, फिर चाहे मेरे 500 नंबर आए, 600 आए या कितने भी आए, और ये तो भगवान ने मुझे बहुत अच्छा दिया है। आई एम लिटरली वेरी हैप्पी, वेरी थैंकफुल, एंड आई एम जस्ट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, वेरी थैंकफुल टू गॉड, एंड या थैंक यू एवरीबडी हु लाइक टुक आउट देयर टाइम एंड विश्ड मी लक फॉर माई एग्जामिनेशन, इट लिटरली मीन्स अ लॉट, एंड या आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस वन थिंग कि मेरा हो गया है इस बार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ होगा, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा, या फिर किसी और वजह से, या फिर जो भी रीज़न हो, या फिर कट ऑफ के बहुत क्लोज पहुँच गए होंगे जैसे मैं पिछली बार पहुँच गई थी, एंड आई स्टिल कुडंट मेक इट। आई नो द फीलिंग, आई हैव क्राइड ओवर इट, और मैं अभी जैसे कि अलग सर ने एक वीडियो अपलोड करा था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि चोट लगी है तो दर्द होना और रोना ना आए, तो क्राई इट आउट, वीप इट आउट, बट मेक श्योर दैट यू स्टैंड स्टिल आफ्टर दैट, उसके बाद से आपको दोबारा खड़े होना है और दोबारा अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, मतलब कि पढ़ना क्या है, करना क्या है, वो सब इज़ सेकेंडरी, बट यू हैव टू लिव योर लाइफ फर्स्ट। आपको जॉब लेना है या नहीं, आपको किसी और कोई और कुछ और परस्यू करना है, ये सब आपकी चॉइस है, डिसाइड ऑल ऑफ दैट, बट जस्ट डोंट गिव अप ऑन लाइफ, ट्रस्ट मी इट्स नॉट वर्थ इट। एग्ज़ाम जो है मतलब दीज आर जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है, लेकिन एक छोटे से हिस्से के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को वो नहीं करना है, या फिर ये नहीं सोचना है कि मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई या मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊँगा तो कुछ और नहीं कर पाऊँगा। ट्रस्ट मी देर आर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हु आर नॉट डॉक्टर्स एंड दे आर डूइंग सो गुड इन देयर लाइफ, ठीक है, मुझे एग्जाम्पल्स देने की भी ज़रूरत नहीं है। आई नो इट्स कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जो खुद डॉक्टर बनने जा रहा है, एंड यू मस्ट बी थिंकिंग अरे अब तो तुमने कर लिया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ वन ऑफ द थॉट्स दैट हैज़ हेल्प मी टू गेट ओवर देयर, क्योंकि मैंने इस बार सोच लिया था कि जो भी हो सब अच्छा है और जो होगा सब अच्छा होगा, मेरे लिए एवरी थिंग वुड बी फाइन, भगवान जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे, एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट हैज़ हेल्प मी अचीव देयर। एंड या बात करते करते ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मतलब मैंने सोचा था कि 3-4 मिनट का एक वीडियो डाल के ये बता दूंगी कि मेरे मार्क्स कितने हैं और पेपर कैसा था वगैरह वगैरह, बट काफ़ी लंबा हो चुका है ये वीडियो, एंड आई थिंक इट शुड गो लाइव, मैं इसमें कुछ कट नहीं करूँगी। आई विल ट्राई कि जो भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूँ आई विल बी एबल टू कनेक्ट टू यू गाइज थ्रू माई फेस एंड नॉट माई हैंड्स और एनीथिंग, बट लेट्स सी, आई वोंट प्रॉमिस इट, बट आई विल ट्राई। इफ़ यू गाइज विल हैव अ लिटिल पेशेंस तो नेक्स्ट वीडियो जो है मेरे फेस के साथ ही आएगी, बट अभी तो मतलब थोड़ा टाइम है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ मोर एलैबोरेट वे कि मतलब मैंने क्या क्या गलत किया था, मैंने क्या गलतियाँ की थी जो आपको नहीं रिपीट करने चाहिए, एंड अ लॉट मोर, सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, एंड आई विल सी यू इन अ न्यू वीडियो very soon, until then take care.